उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में यूपी पत्रिका अपने पाठकों के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों से जुड़े कुछ किस्से लेकर आया है, जिसमें उनके अब तक के कार्यकाल और राजनीतिक करियर का बखान किया जाएगा। पत्रिका के पूर्व मुख्यमंत्रियों के पॉलिटिकल किस्से में बात करेंगे उस सीएम की, जिसने कभी कहा था कि दंगे तो राष्ट्रीय समस्या होते हैं। बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की, जिन्हें पूर्वांचल की राजनीति का विकास पुरुष माना जाता था। 18 जनवरी 1945 को गोरखपुर के हरनही गांव में जन्मे वीर बहादुर सिंह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े रहे थे। उन्होंने छात्र जीवन से ही राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया था। युवा नेता ओम प्रकाश पांडे के साथ राजनीति में उतरे वीर बहादुर पांडे की अचानक हुई मौत के बाद पूर्वांचल की राजनीति में वे उभर कर सामने आए थे। उनके कार्यकाल के दौरान कई बार ऐसी कुछ उथल पुथल हुई जो किसी भी कुशल राजनेता को विचलित कर देती, लेकिन वीर बहादुर सिंह ने निरपेक्ष होकर अपना काम किया। नारायण दत्त तिवारी के बाद प्रदेश के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर जब वीर बहादुर सिंह ने अपना पद का दायित्व संभाला था, तब यूपी बाढ़ की आपदा से त्रस्त था और तिवारी के जाने की बौखलाहट से भरा हुआ था। उनके कार्यकाल के दौरान ऐसी कई उथल पुथल हुई जो अच्छे अच्छे कुशल राजनेताओं को विचलित कर देती, लेकिन वीर बहादुर सिंह ने कभी भी अपना हौसला नहीं खोया। वीर बहादुर सिंह 5 बार यूपी विधानसभा सदस्य भी रहे। 1967 उत्तर प्रदेश विधानसभा के पनियारा निर्वाचन क्षेत्र तत्कालीन जिला गोरखपुर से वे सर्वप्रथम निर्वाचित हुए थे। दोबारा 1969, फिर 1974, 1980 और 1985 तक यूपी 5 बार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 1988 और 1989 तक वे राज्यसभा के सदस्य रहे। वर्ष 1970, 71, 1973 से 1974 तक उपमंत्री भी रहे। इसके बाद 1976 से 77 तक वे राज्य मंत्री के पद पर भी रहे। 1985 में 24 सितंबर को उन्होंने यूपी के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था। इसके अलावा वे जिला युवक कांग्रेस गोरखपुर के संयोजक भी थे। बात करें उनके महत्वपूर्ण कामों की, तो वीर बहादुर सिंह के कार्यकाल के दौरान कई विकास कार्य कराए गए थे, जिन्हें यूपी के राजनीतिक इतिहास में हमेशा याद किया जाएगा। वे प्रदेश के युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने पर जोर देते रहते थे। उन्होंने रामगढ़ तालल परियोजना, बौद्ध परिपथ, सर्किट हाउस, सड़कों का चौड़ीकरण, तारामंडल का निर्माण और कई पार्कों का सुंदरीकरण कराने का कार्य करवाया था। वे प्रदेश के ऐतिहासिक इलाकों को विश्व के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन स्थलों में तब्दील करने की भी ख्वाहिश रखते थे। देश की राजनीति से जुड़े रहने वाले वीर बहादुर सिंह की मौत भी किसी रहस्य से कम नहीं है। उन्होंने 30 मई 1989 में पेरिस में अंतिम सांस ली थी। वीर बहादुर सिंह की मृत्यु के इतने समय बाद भी लोगों को भरोसा नहीं होता कि प्रदेश की मिट्टी से जुड़े रहने वाला शख्स ने परदेश में अंतिम सांस ली। इनकी मौत को लेकर कई तरह की बातें होती रही हैं।